शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे शालू, अरे आराम नाल, कितने भागी जा रही है तू? वो मेरी वेट ते कर, ला बैग, बैग तो दे दे। नहीं ले, अब क्या हो गया? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। गिव इट टू मी। ये नहीं चढ़ते वक्त तुम वोटी का बैग पकड़ लो, गोरी का बैग दिख रहा था क्या? पागलों वाली गलना कर रही है, हर बात पे शक। ला दे मैनू। कटिए सोना भी परेशानी हो गई है, टप्पी जानी पी है। करतीस तो फड़ो इसको। खुश चल तू भी आ। क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, बिल्ली छिल्ली होनी है, लगता बारिश आने वाली है। छिती छिती चल। हां जी हां जी। ये क्या, अभी से ही बेबी फूड? ओ मेरे पुत्र को तो आन दे। पुत्र नहीं, कुड़ी। मेरा तो मुंडा होएगा, सचिन तेंदुलकर। कुड़ी होगी, कुड़ी लगा ले सर। चलें डॉक्टर के पास। एक हफ्ता और रुक जाओ, आप पे पता चल जाएगा। छती छती चल, रुकना नहीं, चुपचाप चलती रहे। इधर चल, तू इतने ही रहे, मैं जाके हेल्प लेके आता हूँ। तुसे तुसे ना जाओ। तो गाल क्यों नहीं सुन रही? यहीं रुको। भाग सकती है? और कोई चारा नहीं है ना? नहीं। चल। भागना पड़ेगा शालू, भाग शालू। Yeah!
King's Road. King's Road? Yeah, that's right. King's. Excuse me. My father's been waiting for this cab longer than you have. I think I just hailed this cab first. Jaane de putter. Jaane de. Babuji, I'll bet you. आ बैठिए बाबूजी। अरे यार, अरे आप बैठिए ना। क्यों पाजी? हम्म? आपकी गाड़ी रंग देके रुकती है क्या? नहीं नहीं। तरह याद है मैं यहां आ चुका हूं ना पहले मैंने उसे बता दिया था कि हम कल आ रहे हैं अरे बाऊजी कमाल पेरी पेना जी चींदा रे पुत्र अरे बाऊजी बाऊजी आप तो कमाल करते हैं चींदी रे चींदी रे दादाजी बेटियां पांव नहीं छूती गले लगती हैं हाय कैसी है तू बाऊजी आप तो कल आने वाले थे हाय यार तो मैंने छुट्टी भी ली थी आपके लिए हां लंदन मेरा देखा हुआ है मैंने सोचा तुम लोगों को तकलीफ ना दूं चले आए कमाल करते हैं आप क्या तकलीफ की बात अरे अमन वहां क्या कर रहे हो इधर आ
दादाजी को पहचाना नहीं तुमने? चलो पाँव छू। अरे नहीं सूट लेके आया, मैंने आपको ईमेल किया था। आते ही शुरू हो गई। ओए लेके आया, सब कुछ लेके आया है, देख बड़े बड़े सूटकेस हैं, देख। अपना अपना स्कूल बैग लिया। बाऊजी इसे स्कूल छोड़ना, मेरे ऑफिस का भी वक्त हो गया है, देर हो जाएगी इसलिए चलना पड़ेगा। हाँ सो सॉरी बेटा, जस्ट ग्रैब माय पर्स। गुड बॉय। बाऊजी फ्रिज में खाना है, बस गर्म करना पड़ेगा। ना भी होता तो कोई बात नहीं, खुद बना लेते भाई, ढाबा चलाया है एक साल मैंने। अच्छा सी यू लेटर, बाय। चलो क्या बात है, बॉडी शॉडी बना ली है, टफ हो रहा है। शाम को मिलते हैं फिर गपशप मारेंगे, मुझे देर हो रही है। ओके बाबूजी, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके बाय बाय। गुरु की कृपा से सब चंगा होगा। बाबूजी आप चाय सुन रहे हो पी रहे हो? लाइए मुझे दीजिए। इंपोर्टेड चैनल है ना, उल्टे सीधे कपड़े पाके पता नहीं क्या उठक बैठक करती रहती है। ला चाय पी, मैंने अभी बनाई है। थैंक यू। अच्छा किया तू सो लिया, थकावट दूर हो गई होगी तेरी। जी जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ ईस्ट लंदन में साजन सिंह और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी की लाशें मिली हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ उनके परिवार के दुख में शामिल होने के लिए। बर्दाश्त करते रहेंगे हम, क्या बिगाड़ा है गोरों का हमने? हा? मतलब ये हादसा नहीं, प्लान मर्डर था। सब भेदभाव की जान गए हैं। Do you think it was a racist attack? Racist attack? Of course it was. The police is a mugging. It's not a mugging. It's a murder. A gruesome, deadly murder. चाय पी रहा है कि सूंघ रहा है? यहाँ की चाय अच्छी है नहीं, क्या वो पत्ती लफाफे में डाल के टिप 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 करते रहते हैं। मामा can I have some more gajral? Gajral? You mean gajra ka halwa, stupid? Kiran नहीं, no more sweets for you, finish your food first. अरे खान दे, इस बेचारे के खाने पीने के दिन है। भुक्का पुत्र का ये ले बस। तू भी खाना। दादाजी आई वांट अ डाइट। तू ससुराल जाने वाली है, हमारी नाक कटवाएगी तू, कहेंगे छिपकली सी बेइज्जती। ले खा, ला मुझे भी दे थोड़ा। शादी के लिए हाल बुक करवाया तूने? यहाँ पे 6 महीने पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और फिर एंगेजमेंट के लिए छोटा सा हॉल बुक कर लिया है, लेकिन मेहंदी हमें घर पे करनी पड़ी। अपने अच्छा है, जहाँ भी तंबू गाड़ लो। वैसे ये घर भी अच्छा है, काफी बड़ा। हाँ बस एरिया अच्छा नहीं है, दिन पे दिन और खराब होता जा रहा है। बाबूजी मैं आपको नया वाला घर दिखाऊंगा, घर तो इससे छोटा है लेकिन एरिया बहुत अच्छा है। हम तो एंगेजमेंट से पहले वहां शिफ्ट करने वाले थे लेकिन फिर आपका फोन आ गया, जल्दी करो जल्दी निपटाओ। जल्दी करो जल्दी निपटाओ, मुझे तो कुछ और कहा गया था कि लड़कों वालों को जल्दी है
और हमारा इंतजार हो रहा है। हाँ, लड़का लड़की दोनों को ही जल्दी है, और फिर अपने चाचू और बाऊजी के बिना इसकी शादी हो सकती है क्या? अरे एंगेजमेंट भी नहीं हो सकती, कम ऑन नाउ। भाई घर की पहली खुशी है, सबका होना जरूरी था, और फिर अच्छा वो तो पहले आ गया, कामकाज में मेरा हाथ बटाएगा। शादी वाले घर में हजारों काम होते हैं। हाँ जी बाऊजी, कल हमें सज्जन सिंह के घर जाना है, आप तो जानते हैं उनको, हरमीत आलू वालिया आपके दोस्त हैं, उनके बेटे का कल चौथा है। ओ सज्जन मीते तो पुत्र सी। हाँ जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, आदमी आता है हिंदुस्तान से लंदन बेहतर जिंदगी की तलाश में, और यहाँ आके बेटे और बहू की लाश देखनी पड़ती है। वाहेगुरु, ऐसा दिन किसी को मत दिखाना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौवां, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीना, कहो नानक हर भज मना, जह बिद जल कौ मीन, देखे न स्यों काहे रचियो, निमक न होए उदास, कहो नानक पज हर मना, पर न जम कै पा। पूरा चेहरा काट दिया मेरे बेटे का, काट दिया चेहरा, मैं पहचान भी नहीं सका, मैं अपने बेटे को पहचान भी नहीं सका। भैया इसने ऐसा क्या किया जो इसको इतने बेरहमी से मारा गया? कुछ तो किया हो जो ये सब हुआ। बच्चे की पसलियां पेट में ही टूट गई, कितनी जोर से मारा होगा उन्होंने मेरी बहू को। छाड़ सगल जंजाल, ये गोरे इस आदमी को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि इंग्लैंड सिर्फ गोरों का मुल्क है और हम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यहाँ कहाँ है साग? वो ग्रीन डब्बे पड़े ना, ये वाले डब्बे वाला साग। मैं भी कहूं बिना मौसम के साग कैसे बन रहा है? स्वाद तो ठीक है ना बहू? हाँ जी बाजी। बाबूजी पैरी पहना चुंदर है। बाबूजी क्या हुआ? है वही है साग, है वही है। बाबूजी साग के मामले में बहुत इमोशनल है। दादाजी प्लीज रो मत देना। और तू? बाबूजी कोने पे एक देसी दुकान है, वहाँ साग मिलता है। ताजा है ना? हाँ बिल्कुल ताजा।
मैं कल ही ले आऊं। बाबूजी सागे या गोबर? सॉरी सॉरी सॉरी। Yeah, darling, you look scared. Oh, you got on these bags, eh? Oi! Let's have a look then, eh? Come on, please, just let me go home. Let's have a look. You're a bit far from India now, ain't ya? Kamal in goron ke samne ghar jane ke liye gidgida rahi hai. Magar gore kehte hain ki tumhara ghar Hindustan yahan se bahut dur hai. Let's get your little bitch married so she can breed more stinking darkies. I just want to go home, please. What's this cheap crap? Oh, is it broken, is it? Is it broken? Is it? Let me fix that for you. Please, I... Call that before. Yeah, go on, do it. Go on, whistle over. Oh, man. Oh. Nice one. Go on. Sorry, shit as well. Come here. Go on. Go on. क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं हुआ भाभी। क्या हुआ, आपने डरी भी क्यों? कुछ नहीं हुआ भाभी। कुछ तो हुआ है, मुझे बताओ। नहीं कमल, ये फटा हुआ है? You can't hide from us in there. Come back outside, you Indian bitch. I'll give you a nice big white wedding present. Who brings you out? Come on. You just started. This ain't over. You're dead. Ain't over. You're freaking dead. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead. You're freaking crap out of here. Something doesn't sound right, sir. I've given my statement. Nothing more I can add. I mean, I've said what I had to say. Officer. All right. Ye log kuch bhi puchhein. Kuch nahi hua. He's my younger brother. Right. So, the story according to your brother is that nosy neighbors made a mountain out of a molehill. Your sister-in-law dropped her bags, some thugs picked them up, you misunderstood, some bad words were said, and everyone went home. Do I have it right? That's how my brother saw it. Sergeant Grant जानता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। Or are you honestly sticking to this story? Nothing happened, officer. See, I told you, it's exactly like I said. I'm sorry you wasted your time, Sergeant. Well, there's nothing more we can do. दोबारा उन स्किनहेड्स के मुंह मत लगना। स्किनहेड्स?
ये लोग आम क्रिमिनल्स नहीं हैं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। एक पूरी जनरेशन है जो मानती है कि वो बाकी सारे लोगों से बेहतर हैं, एशियंस, अफ्रीकन्स। अगर हम लोग उनकी तरह नहीं हैं, गोरे नहीं हैं, तो हम लोगों को जीने का हक नहीं है। एक कुमारों की तो 10 आ जाएंगे, 10 कुमारों की तो 100। इट डज नॉट एंड। इसको क्या समझा रही हो? बड़ा है, खुद ब खुद समझ जाएगा। अमर बहुत मार खाओगे तुम लोग। अरे क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, वो बर्तन इधर ला दो। Congratulations. Thank you. हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन तेरे सामने पीका है। Thank you. क्या हुआ? अच्छा मेरा ब्लाउज ठीक कर देना जरा। या वो जिसे तू देख रही है वो मेरा चाचा है, इंडिया से। अच्छा ये ले। अब मैं चली। इतनी जल्दी पागल मत बन यार। असल से झूठ बोल के आई हूँ क्या यार? Hey Lou, hi, don't stand around, come on.
We've cleansed our streets, purified another corner of our city for the sanctity of our race. केन अपने दल के इन लड़कों को शाबाशी दे रहा है क्योंकि उनका मकसद आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। उनकी मारपीट से वो हिंदुस्तानी दुकानदार दुकान बंद करके अपने मुल्क भाग गया है। केन और उसके साथियों का मानना है कि दुनिया में सिर्फ उनकी नस्ल सबसे अच्छी, सबसे पवित्र और सबसे महान है। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। किरण, बच्चों की तरह मत। पहली बॉल में आउट हो गए। कम ऑन, बी ब्रेव। हां बेटा, बस एक आध महीने की बात और है। देन इट्स ऑल फिनिश्ड। इट्स ऑल। डोंट मेक मी गो बैक देयर। इट्स गोइंग टू बी ऑलराइट। इट्स जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल, ओके? क्या हुआ? कम ऑन बेटा। कुछ नहीं, बस कॉलेज प्रॉब्लम है। क्या हुआ दीदी को? कुछ नहीं हुआ पापा। कम इधर। कम कम। यहां बैठ। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हम लोग समझते हैं, यहां से शिफ्ट कर जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। Yeah. It's just a matter of time. Come on, you're a strong girl. Come on. I won't go back there. किरण, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किरण ठीक है। है ना किरण, तुम ठीक हो ना? सी, शी इज जस्ट फाइन। चाचू, wait a minute. Now just back off a minute here, man. Look, I'm warning you, man. Just stay away. Just stay away from Eve. You know what's good for you. Just turn around and walk out of here. Just turn around and get out of here, all right? Look, if you know what's good for you, you're gonna just get out of here. There are a lot more of us than there are of you. You've been warned, mate. Listen, hey? Just turn around and walk out of here. Don't! All right, you. I'm leaving. That's enough. Come on now. I'm leaving. Outside. I'm leaving anyway. Enough's enough. You don't know what you started. Curry breath. It's all been dealt with internally. Principal Sergeant Grant को बताता है कि उन्होंने मामला आपस में सुलझा लिया है और गोरा कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहता। सार्जेंट बेबस है और एक बार फिर वो चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। Looks like you're becoming a regular face in my life. I don't like that. That'll be all, Sergeant. Okay. Look, just make sure it don't happen again, yeah? I mean, I come here to study. Watch your back. Chipkali, tu jahan bhi dikhana, tujhe to phat gaya. Dekho, tumhe jo opportunity mili hai, London aakar apni zindagi banane ki, uska fayda uthao. Kabhi kabhi zindagi mein aage badhne ke liye, apne usoolon ko aur aadarshon ko bhulana padta hai. अब मुझे देखो, मैं इस प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा हूं। मैं यहां कैसे पहुंचा ये मत पूछो, लेकिन आज ये कुर्सी मेरी है। सॉरी बोल। इसे कहां ले जा रहे हो? प्रिंसिपल का मतलब होता आदर्श, उसूल, जो आप भूल चुके हो।
से? बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, तुम एकदम चिकने खड़े, असर पड़ते नहीं तुम पे। अरे प्रिंसिपल गुरु होता है, बाबूजी की उम्र का आदमी जो दिन में तुमने कह दिया एक मिनट में किरण को कॉलेज के बाहर खड़ा कर देगा तो क्या करोगे तुम? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात तुम्हें? आ रही है। Must be the same guy that did this. Thought you said you duffed him. Yeah, well, he wasn't on his own when he did this, was he? He's dead. I want him finished. Kane हिंदुस्तानी लड़के को मारने का फरमान जारी करता है। सर्जेंट ग्रांट कहता है, जिस दिन उसे केन के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। Sooner or later, you'll mess up. Someday, somewhere, you're gonna leave a bloody trail right back to yourself. Don't know what you're talking about, Sarge. Got ourselves a rabid dog. Take him to the vets, is all. Kane. एक ना एक दिन कोई ना कोई केन से टक्कर लेगा, और उस दिन सर्जेंट ग्रांट वहाँ मौजूद होगा। I'll be right there. यहाँ के लोगों की तरह यहाँ का मौसम भी गड़बड़ है। मौसम को छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मैंने मुनीर से बात कर ली है। जिंदगी में पहली बार किसी दोस्त का एहसान लिया। अब मेरी नाक मत कटाना और ध्यान से काम करना। रेस्टोरेंट में वेटर का काम। डू आई लुक लाइक अ वेटर? तुम्हें कौन सा जॉब मिलेगा? मैनेजर का? देखो जैसा कह रहा हूं वैसा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अंडरस्टैंड? भैया मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपने फैमिली के लिए इतना कंसर्न है, इतना सोचते हो उनके बारे में, तो आप इन साले गोरों से डरते क्यों? आप करते क्यों नहीं कुछ? डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। That's your uncle. मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। एक मिनट, वो फैमिली मेरी भी है। चाचू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा परेशान थे। He's going to pick you up. चाचू डरने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हो उस दिन आपके जाने के बाद प्रिंसिपल ने उस लड़के को कॉलेज से निकाल दिया और कैंपस पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर वो आसपास दिखाई दे तो अरेस्ट कर ले। सुना आपने? चल गाड़ी में बैठो, चलो कम ऑन। इज योर फ्रेंड्स? दे आर योर फैन क्लब। पूरा कॉलेज आपके बारे में बात कर रहा है। दे आर कॉलिंग यू द इंडियन। गोरे हिंदुस्तानी लड़के के चर्चों से काफी परेशान हैं और उसे ठिकाने लगाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सर्जेंट ग्रांट की नजर उन पर है। केन फैसला करता है कि अब उन्हें किसी को ढूंढना होगा जो उनसे ज्यादा हिंदुस्तानियों से नफरत करता हो। Listen, boy. This washer is not working today. You have to wash them all, hmm? And after your shift, chuck all the rubbish in the backyard. Okay? कैसे आया? अरे बोल। हम्म।
नूर। असलम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। तेरा ब्रेसलेट मुझे एक लड़के की जेब से मिला। कुछ दिन पहले वो मुझसे खो गया था, अब वो किसी की पॉकेट में जा घुसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों दी इंडियन? एक मिनट भाईजान, ये किरण का। असलम भाईजान रुकिए। वो हाउ लॉन्ग गाइस, तुम कैसे जानते हो इसे? उस दिन रात को यही बदतमीजी कर रहा था ना। अरे साले! असलम भाईजान प्लीज मेरी बात सुनिए, ये वही है जिसने उस दिन मुझे उन लोगों से बचाया था। किनसे? तुम जानते हो, वही तुम्हारे गोरे दोस्तों से। अरे तुझसे तो मैं घर आके बात करता हूँ। ए असलम, क्या करें इसका? छोड़, just leave him. All right, let's get out of here. क्या हुआ? पता है सारी रात इंतजार किया है आपका। भाईजान प्लीज, संभाल इसको और अपने आप को भी। माना कि किरण के एंगेजमेंट पर आपसे बिना पूछे गए थे, सॉरी बोल तो दिया है, इसमें उसका क्या कसूर है? बल्कि उसी ने तो मुझे बचाया था। अब वो ठीक तो है ना? तेरे इस ब्रेसलेट ने उसे बचा लिया। ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे छोड़ दिया ना, इतना काफी नहीं है? पता है कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। किसकी? उसकी या मेरी? भाईजान किरण मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और आप उसके चाचू को, और अगर आपको कुछ हो जाता तो। अरे पग 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 बोलती रहती है तू, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा चल अंदर चल। ओए हाय। क्या बाबू जी? ओ यार आज भी साग नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ बाबू जी, कल कुछ ज्यादा ही काम था, थक गया। मेरा पुत्र होके पहले ही दिन काम से थक गया। चोट? फिर झगड़ा करके आया? नहीं बाबू जी, वो जमीन गीली थी, फिसल गया, वो कांच के टुकड़े पड़े थे। वो गीली जमीन, कांच के टुकड़े तुझे ही मिलते हैं, मैं तेरा बाप हूं, सब समझता हूं। अभी आ बेटा, मैं खोलता हूं। अरे मैं खोल रहा हूं ना। अरे बाबू जी, मैं दरवाजा खोल रहा हूं ना बाबू जी। आप भी ना यार, आज से मैं तेरी परछाई हूँ, तू जहाँ जाएगा मैं साथ जाऊंगा, तू जिस गिल्ली जमीन पर फिसलेगा मैं भी फिसलूंगा, जिस कांच पर गिरेगा मैं भी गिरूंगा। बोल, कोई दरवाजे पे सुन लेगा। अरे यार आ भी ना। हाय। 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 बाबू जी, किरण की दोस्त है, किरण को बुलाऊं? हाँ किरण। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वॉक पे चले अंकल जी, आप भी चलेंगे ना साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो इसकी परछाई हूँ, जाना तो पड़ेगा मुझे। बचावे। थैंक यू यार, मुड़ के तब एक। तो हिसाब बराबर हो गया? मतलब? मतलब उस दिन तुमने मुझे बचाया था, आज मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड से। वैसे कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतना सब एक ब्रेसलेट की वजह से जो मैंने चुराया भी नहीं था। क्या तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें ब्रेसलेट की वजह से मारने वाले थे? बल्कि अगर आज तुम जिंदा हो तो मेरे ब्रेसलेट की वजह से। अच्छा
फिर एक काम क्यों नहीं कर लेती, अगर आपके पास और ब्रेसलेट है आप शेयर में बांट दो, पता नहीं आपका भाई कब किसको मारने निकल पड़े। एक्सक्यूज मी, body, wait, watch me. Swing to the body, use your hips, swing. Jab to the head, jab. Keep on your toes. Okay, you're not concentrating, come on. Try again. Double jab. Go on, swing. Hey, sirf members ke liye. तुझको अंदर किसने आना दिया? बाहर थे दो। What's the problem? You. मैं चमचों से नहीं लड़ता। Give this guy some gloves. Ah!
चोर यार, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करके जो गलती हमारे लोगों ने की थी, आज तक दूसरे देश उसका फायदा उठा रहे। मैं तो ये बात समझ गया हूं, तू भी समझ ले। पौधे को जब एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं ना, तो पौधे को भी एडजस्ट करना पड़ता है और मिट्टी को भी एडजस्ट करना पड़ता है, समझा? बाबूजी, मैं समझ गया। अच्छा, आपको कहाँ बाहर नहीं जाना था? ओ यार, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं साग लेने निकला था, मैं भी किस काम लग गया। देख, आज मैं साग ढूंढ के ही लाऊंगा। अच्छा, ढूंढ के लाओगे? जानता हूँ, भाभी ने आपको एड्रेस बता दिया। और तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं। हाँ दादाजी, जेली बेबीज। हे, मम्मी घर पे है। We don't have some, mom. तूने फिर कोई लफड़ा तो नहीं किया? नहीं बाबूजी। रुक। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम इसे जानते हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? असलम। कहाँ के हो? वैसे लाहौर पाकिस्तान का हूँ। लाहौर? अरे मैं भी लाहौर का हूँ, मेरी पैदाइश वहीं हुई थी, हमारी बड़ी जायदाद है वहां पर। तुम्हारे माँ बाप लाहौर में हैं या तुम्हारे साथ यहाँ रहते हैं? नहीं, वो तो बचपन में ही गुजर गए थे। सॉरी, क्या करते हो बेटे यहाँ पर? बाबूजी, दुकान बंद हो जाएगी। यार तू भी बेटे, अगली बार मिलेंगे तो गप्पे मारेंगे। जी हाँ। इंटरेस्टिंग मैन, आई थिंक देयर्स समथिंग यू नीड टू नो। क्या? देख, तेरे आने से माहौल काफी गर्म हो गया, तभी कुछ लोग तुझे सबक सिखाना चाहते हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे भाई, जिस दिन से आए हो कोई क्रिकेट विकेट नहीं खेल रहे हो ना? बता, आप तो कितने झगड़े किए हैं। हाँ, फटका तो है, लेकिन गंजो गोरो को। लेकिन उसे तेरा क्या? तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें ब्रेसलेट की वजह से मारने वाले थे? पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी या फिर बांग्लादेशी, ये सारे गोरे सबसे नफरत करते हैं। फिर उन्होंने तुझे क्यों भेजा मुझे मारने के लिए? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तूने सही कहा। अंग्रेजों का वही पुराना फॉर्मूला, डिवाइड एंड रूल। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों? Cool. Who's he? A friend. There's a call for you. For me? For you. Hey. Come on, come on, come on, come on. Come on. Hello? शाम को कुछ कर तो नहीं रहे ना? कुछ खास नहीं, क्यों? तो ठीक है, शाम को मैं तुम्हें पिकअप करती हूँ। I'll wait.
कुड़ी पंजाबी। अच्छी जगह है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या इंडिया में? कभी नहीं थी या अब नहीं है? ओके आई एम सॉरी, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। चिढ़ने की क्या बात है? मैं चिढ़ रही हूँ? मैं? ओके अच्छा बताओ ना, क्यों जाना चाहती हो? मैंने पहली बार किसी को फोन किया है, मैं पहली बार इस तरह से किसी के साथ बाहर आई हूँ। मैंने सोचा कि तुम मुझे फोन करोगे, फिर मैंने इंतजार भी किया, तुमने मुझे फोन भी नहीं किया, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन कैसे हैंडल करूं। आई एम कंफ्यूज्ड। ये सब तुमने मुझसे क्यों कहा? मुझे लगा मुझे कहना चाहिए। Excuse me. Gotcha. Punjabi. केन जानना चाहता है कि उसका काम क्यों नहीं हुआ। असलम टालते हुए कहता है कि हो जाएगा, मगर केन को यकीन नहीं होता। अरे यार फिट्टे मन, थैंक यू। अच्छा सचमुच में लड़ेगा? No, no way, I'm not doing that. बाऊजी, वो आप है क्या वहाँ? बाथरूम जा रहा हूँ। घर में मास्टर बेडरूम में बाथरूम है, वहां भाऊजी को तकलीफ नहीं होगी। I'll be back, huh? बाबूजी थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। ओके बेटा, एक मिनट। बाबूजी अब ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार तू नीचे वाला बाथरूम यूज कर ले, मुझे टाइम लगेगा। ठीक है बाबूजी। ओए, तू गया नहीं? नहीं।
क्या हुआ बाबूजी? क्या कुछ नहीं बाबूजी, बचपन से लेकर आज तक मैं आपके साथ रहा हूं। आपके कुछ ना कहने से भी मैं समझ जाता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यार मैं क्यों परेशान हूंगा यार, मैं क्या बात कर रहे तू बाबूजी? बाबूजी ये क्या है? क्या क्या ये निशान कैसा? कहां? आप मुझे झूठ मत कहिए, क्या उन लोगों ने, स्किनहेड ने? नहीं नहीं, मैं उन सालों को नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया तू? तू उसके आस पास भी नहीं फटकेगा, तू उन्हें नहीं जानता, वो तुझे मार डालेगा। मैंने देखा है, मैंने देखा है उसकी आंखों में शैतान। किसके? वो हम सबको मार डालेगा। गैंग, गैंग, कम आउट यू बास्टर्ड, गैंग, कम आउट, गैंग। Took your time. केन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। Excuse me. We have been here all night. You have told me nothing about my son. I want to see him. I'll see. करतार कल रात से अपने बेटे के बारे में परेशान है। उसका हाल जानना चाहता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। This time you instigated it. And guess what? There's over a dozen witnesses ready to testify. Kane, he's innocent. He's claiming self-defense. Satya gai saale. What are you muttering about? He gets away with everything. He does everything in front of your faces and gets away with it. He first harassed my sister-in-law, then my niece, and this time he picked on my father? He picked on an old, defenseless man? Did your father file a report? Hindustani ladka kehta hai ki gore har baar bach jate hain aur uske parivar ko lagatar pareshan kar rahe hain. Sergeant kehta hai ki tab unhone report kyun nahi likhwai aur har baar uska waqt barbaad kyun kiya? We came to your house that day. You had nothing to say then. You wasted my day then. You're wasting my time now. He won't make it home. Leave him alone. Now we'll hold him for you. You can do the honors.
केन अपने साथियों को हमला करने से रोकता है, क्योंकि केन के मारने पर भी उस लड़के की आंखों में डर नहीं था, और केन उसकी आंखों में डर देखना चाहता है, और उसके गिड़गिड़ाने के बाद वो उसे मार डालेगा। Spread the word. No one touches him. What's all that? इंस्पेक्टर को लगता है कि अब गोरे कुछ नहीं करेंगे, मगर सार्जेंट को यकीन है कि अब यह हिंदुस्तानी एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अरे तू पागल हो गया है? क्या सोच रहा था वहां बता। और आप लोग असलम क्या उन टुच्चों तक ठीक था, पर तू जानता कि किन कौन है? अरे बाप है उन सबका। मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए। अरे तुझे देख और उसको देख, ऐसे मसल देगा तुझे। देख लूंगा। देख लेगा उसे, तू देख लेगा उसे, तू मारेगा उसे। हाँ अच्छा नहीं नहीं तू मुझे बता कैसे मारेगा उसे, कितने पंचेस मारेगा? 10, 15, 20 कितने? 21 पे तो गिरेगा। उसका एक तेरे 21 के बराबर होगा। अरे जिंदा नहीं रहेगा तू। अरे आप लोग समझाइए इसे। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हिंदुस्तान छोड़ा, अब और क्या चाहता है तू? अरे इस उम्र में मैं और कहां जाऊं? इन बूढ़ी आंखों से और क्या देखना बाकी है? अपने बच्चों की लाशें। कुछ समझा? देख मैं मान लेता हूं कि तू उसे मार सकता है, ठीक है, पर क्या ये मार पाएगी? तेरे बाऊजी इस उम्र में मार पाएंगे? क्या ये मार पाएगा? दोस्त मैं समझ सकता हूं कि तू क्या महसूस कर रहा है, पर जो मैं देख रहा हूं तो वो देख नहीं पा रहा। कसम खा अब और नहीं। कसम खा। Thank you.
मैंने सुना है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब हो जाने के बाद वो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? नहीं, मैं संभाल लूंगा। नहीं, हम संभाल लेंगे। जब तो सपनों में आवे तू चानन, मैं घबरा के उठ जानी हूं। एक की होया हुन की होया सी, ये सोच सोच मर जानी हूं। मेरे हाथ से, और अमन को अंदर मत आने देना, और देखना कि उसने अपना ब्रेकफास्ट पूरा किया कि नहीं। कॉर्नफ्लेक्स लेके जाओ उसके लिए। हाँ, ले जा, ले जा। ओके। कमल पुत्र। ओ बाजी, ध्यान से, अंडा गिर गया है वहाँ नीचे। सॉरी सॉरी। ला, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं साफ कर दूंगी। चीनी कहाँ है? वहाँ कबर में है। भाभी, मेरा अंडा कहाँ है? नीचे। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, एक प्लेट ले लो तुम, तुम्हारा ऑमलेट रेडी है। जी हाँ। अरे भाई कमल, प्लीज गिव मी योर हैंड। हाँ, वो अंडा जमीन पे था, अब मेरे कपड़ों पे। किरण, किरण क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? आई एम आस्किंग यू, व्हाट हैपेंड? किरण क्या हुआ? Oh my God! First aid box, take it, please. Are you okay? What happened? What happened? I'm asking. What happened? But, thank you.
What happened here? Skinheads last night. Smashed all the windows. कल रात गुरु ने इस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की क्योंकि ये हिंदुस्तानी लड़का यहाँ काम करता है. You come inside. I want to talk to you. Here's your check. But I don't get paid for another 2 weeks. Listen, wherever you go, problem follows you. I don't want this. I don't want any trouble. Please. सिगरेट है? ओए, एक नौकरी छूट गई तो सिगरेट पीना शुरू? देने है क्या? अभी एहसास हुआ क्या? तुम्हारा रंग क्या है? देख, गुरु के बीच एक काला, हमारी तरह. असलम, तुझसे कुछ और बात भी करनी है यार. बोल. नूर के बारे में. हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं लेकिन यार अगर तुझे कुछ भी लगता है मुझे बता दे. कुछ तो बोल. मेरी बहन एक ऐसे आदमी के साथ रहे जिसे मैं जानता नहीं. इससे बेहतर है कि वह एक ऐसे इंसान के साथ रहे जिसे मैं जानता हूं और पसंद भी करता हूं. मैं तभी तो तेरे लिए नौकरी ढूंढना चाहता हूं. और ये तेरे बस की बात नहीं है. चल. आज मेरे किरण के अमित से बात हुई. मॉम, वो मेरा अमित अमित नहीं है. तो फिर किसका है? नहीं मतलब है लेकिन प्लीज मॉम. बाजी, वो इतना उतावला हुआ पड़ा था जैसे पहला लड़का हो जिसकी शादी हो रही हो. किरण नु खुश रखेगा. हाँ. तुम्हारा है? मेरा फोन. हाँ. मैं देखता हूँ. पकड़ी गई ना. किरण, यू ओके? कमल, बाबूजी पैर ही पहना. जींदर है. शाम को मिलता हूँ. गुड मॉर्निंग बाबूजी. मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हूँ.
भाभी मेहंदी के लिए क्या इतनी सारी चादरें काफी होंगी? हाँ मेहंदी के लिए तो काफी हो जाएंगी। एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी। तुम्हारे भैया रोज सुबह बाबूजी के पांव छूते हैं, पर मैंने तुम्हें कभी, क्या तुम उनकी इज्जत नहीं करते? प्यार करता हूं। समझाता, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी की पहली सीख है, जो तुम्हारे भैया हमारे लिए करते हैं, जो तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए करते हैं हर रोज, एक नया सैक्रिफाइस। बदले में ही सही, रिस्पेक्ट पर तो उनका हक बनता है ना? It's gone. Chachu, you've changed. Aman, कभी कभी जिंदगी में दूसरों के लिए जीना पड़ता है, समझौता, कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि आज मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी दीदी के लिए किया, मम्मी डैडी के लिए किया और दादाजी के लिए। मुझे समझने की कोशिश करो। आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे बन गए हो। शादी का कुछ सोचा है? क्या? अरे इरादा तो है ना? हाँ लेकिन। लेकिन क्या? जल्दी क्या है? अरे मुझे जल्दी है। क्यों? देख नूर घर से निकल जाएगी, बस कमरा खाली। तो उस कमरे के साथ एक स्टडी बना लूंगा, उसमें कुछ किताबें होंगी, एक डेस्क होगा, बस। किताबें होंगी, डेस्क होगा, कभी जिंदगी में किताब पढ़ी है? हाँ वो कौन से? अरे अरे पढ़िए यार। जा दरवाजा खोल जा। हंस क्यों रहा है? याद आया, हैरी पॉटर कभी पढ़ा है क्या? हाँ हैरी पॉटर। जा दरवाजा खोल। ये क्या कर रहा है तू? चल चल समझाता हूँ, आजा। वो क्या था? अरे तू अंदर आना, समझाता हूँ। असलम पता। अरे तू इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहा है? परेशानी क्या तुझे? परेशानी है, अब बता। देख तू नहीं समझता कि मैं यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहा हूँ? इन साले घोड़ों के तलवे चढ़कर। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल। मैं यहाँ बचपन से हूँ, यहाँ पे जो होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। अरे एक वक्त था जब हर रोज खून बहता था, मेरा, मेरे लोगों का, तब मैंने इन घोड़ों के साथ सौदा किया था। और आज ये जिम है, घर से निकलता हूं तो लोग पहचानते हैं मुझे, सलाम बोलते हैं, और ऊपर से मेरे घर में कटा हुआ सूर नहीं फेंका जाता। मेरी बहन बिन डरे घर से निकल सकती है। मेरे कौम के लोग जिंदा है, मैं जिंदा हूं। तू जिंदा है? अगर तुझे अपने बातों पे तो यकीन है तो आप क्यों नहीं मिला था? चार दिन हुए हैं तुझे आए हुए अपने सोलो के साथ, मुझे मत सिखा कि मुझे यहां पे कैसे और कैसे नहीं रहना चाहिए। ये हमारा मुल्क नहीं है। अरे मुल्क जो भी हो,
सर झुका के जीने से बेहतर है कि सर उठा के मरे। मैं अपना रंग अच्छी तरह से जानता हूं, एक हिंदुस्तानी हूं मैं, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लगा देना मेहंदी। नूर, तेरी मेहंदी के वक्त तो मैं ही लगा दूंगा, सीख गया हूं मैं अब। सुना? परिवार से, ये सब तेरी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेरी वजह से? हाँ, मैंने मना किया, हर बार मना किया, लेकिन तू देख, देख, लुक एट हिम। मैं तो ये सब कुछ कब से देख रहा हूं, लेकिन चाहता हूं कि आप भी देखें। शट अप, आई सेड शट अप। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज तक आप चुप रहे, क्या हासिल किया आपने? क्या हासिल किया आपने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? मैं तुझे उठा के यहां पे लेके आया, हर कोशिश की तू बदल जाए। क्या बनूं बदल के? आपकी तरह? हाँ, आपकी तरह एक डरपोक। तूने मुझे डरपोक कहा? हाँ भाऊजी, आपने सुना इसने क्या कहा मुझे? मुझे इसने डरपोक कहा। मैंने तुझे घर दिया, परिवार दिया, एक नई जिंदगी दी। कैसी जिंदगी? ऐसी जिंदगी? अरे कोई किरण को छेड़ता है आप जाके हाथ जोड़ देते उस प्रिंसिपल के सामने। अरे भाभी को जलील किया उन्होंने, आपने पुलिस से भी झूठ कहा। अरे बाबूजी को मारा उन्होंने, मारा है, और आप खड़े खड़े कुछ नहीं कर पाए। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम लोग अपने देश वापस चले जाए। सब कुछ ठीक था तेरे आने से पहले, सब कुछ ठीक था। इस घर में कभी पुलिस नहीं आई थी और न कभी मैं पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन मैंने तेरी वजह से पूरी रात गुजारी पुलिस स्टेशन में, पूरी रात। आज मेरे बीवी, मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नहीं नहीं, यह हमेशा था, मेरा आने से पहले भी था। ना आपने कभी देखा और ना देखना चाहते हैं। बस अब तू बताएगा हमें जीने का तरीका? अरे तू है क्या? तुझे किसने कहा कि तू हमारी हिफाजत कर? अरे अपने आप को संभाल पहले, फिर हमारी फिक्र करना। मेरे बाल सफेद हो गए तेरे लिए थानों के चक्कर काटते काटते। बाबूजी, अब एक लफ्ज नहीं, अब ये खत्म होगा, आज, अभी और इसी वक्त। चल मेरे साथ और उनसे माफी मांग। तेरी जिद की वजह से मैं अपने बच्चों की जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता। चल मेरे साथ और माफी मांग उनसे। नहीं, मैं उनसे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। मैं भी देखता हूं तू कैसे नहीं जाएगा। तू जाएगा और उनसे माफी मांगेगा। बाबूजी, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मत जा, मत जा, इंतजार करो इसकी गर्दन कटने का। What do you want, you Indian? He has come to say sorry.
What are you going to mute? You going to tell me yourself? Chal, khatam kar. Oi! I'm sorry. Nah. On your knees, from your knees. Yeah, on your knees. On your knees. मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल था, अब सब ठीक हो जाएगा। बाबू जी, आपने कहा था ना कि आप अपने बेटे की लाश हैं, उनको मरता हुआ नहीं देख सकते। आज आप ही का बेटा आपकी आंखों के सामने घुट घुट के मरा है। नहीं, ये जगह, ऐसी जिंदगी मेरे लिए नहीं है। ये केन अब संतुष्ट है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, और हुक्म देता है कि हिंदुस्तानी को मार दिया जाए। नहीं किरण, उसे रोकिए, मत जाने दीजिए उसे। जाने दो इसे, हम सबके लिए यही अच्छा है। Jim, it's big trouble. Now you really pissed me off. Screw you, Kane. No more drugs. No more trade-offs, no more you. This is my gym, and shit like you ain't coming nowhere near me. Aslam Kane ke saath har rishta tod deta hai,
और उसके खिलाफ बगावत करता है। केन असलम से कहता है कि अगर हमारे मुल्क में रहना है तो सर झुका कर रहो। सर झुका के जीने से बेहतर है कि सर उठा के मरो। यू आर स्क्रू यू। वी अप्रोचिंग हीथ्रो एयरपोर्ट गव, टर्मिनल 3 वाज इट? या। सही था, आग तो बहुत पहले से लगी थी, लेकिन देख आज पाया हूं। हेलो नूर, मैं क्या Stop the vulture or you're gonna
वो पब में है स्किनर्स के, सबके साथ अकेला लड़ रहा है। कौन? ये ब्रदर। क्या? स्किनर्स ने असलम को भी मार दिया। तुम सबको इकट्ठा करो और पब पे पहुंचो। आइए बाबूजी। To these brown bastards! Get this scum off my land now! Kane! हिंदुस्तानी लड़का केन को चुनौती देता है और रंग भेद के मसले को खत्म करना चाहता है, यहीं और इसी वक्त। Right here, right now, let's finish this. You and me. Give it to him, Kane. Clean this mess up. Let's do it. You ready for?
could sign me on, eh? बस इतना ही था, वो मर मिटने की बातें, वो गुस्सा, वो जुनून एक झापड़ में निकल गया। हरामी, कुत्ते, कमीने, पाकी, गुलाम, साले, ये लोग तुझे यही कहते हैं ना? सही कहते हैं कि तू है एक सड़ा हुआ हिंदुस्तानी। अगर आज तू यहाँ पड़ा पड़ा मर गया तो कोई हिंदुस्तानी सर उठाकर कभी खड़ा नहीं रह सकेगा। मेरे बेटे ने कहा था कि किसमें मुक्के में उसे गिरा देगा। अगर तू बाप की औलाद है तो चला अपना 21वां मुक्का। कहाँ है वो 21वां मुक्का? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है वो इंडियन? वंदे मातरम। What are you doing? You should have stayed down.
Out of the way, please. Excuse me. Excuse me. Something. You're a policeman? I'm not on duty for another 10 minutes. तूने मेरे बेटे को मारा है।